मॉर्निंग क्लास, क्लास सेवन्थ, हिंदी मीडियम, सब्जेक्ट कंप्यूटर। चैप्टर नंबर है आपका एक। आप जब भी कोई वीडियो देखें, मोबाइल से आंखों की दूरी 25 सेंटीमीटर हो, जिससे आंखों को नुकसान ना पहुंचे। टू विल स्टार्ट चैप्टर नंबर एक, इसका नाम है नेटवर्किंग। ये वर्ड केवल आपको रीड करना है, उतारना नहीं है। पेज नंबर है आपका 57। देखिए, नेटवर्किंग होती क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क को परिभाषित करने के लिए यह कहा जा सकता है कि जब हम एक से ज्यादा कंप्यूटर को इस तरह से जोड़े जिसका प्रयोग हम साधनों का इस्तेमाल करने के लिए करें, वो होता है कंप्यूटर नेटवर्क। फिर से बता रहा हूं, यानी इस तरह का प्रबंध जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे के आंकड़े एवं साधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, ठीक है, जो बच्चे होते हैं वो टीचर होता है, तो एक इस तरह का सिस्टम बनाए जिससे कोई भी बात बच्चों तक पहुंच जाए और बच्चों के द्वारा उनके व्यूज पता चल सके, तब केवल एक नेटवर्क तैयार होता है। इस सारे प्रबंध का नियंत्रण किसी एक कंप्यूटर द्वारा किया जाता है, जिसे सर्वर कहते हैं। सर्वर होता है आपका मेन कंप्यूटर, जिसका काम होता है इंफॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करना, आगे भेजना, और इसी के द्वारा क्या होता है, नेटवर्क आपके स्थापित होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है मेरा एक मेन कंप्यूटर, मेन कंप्यूटर से सूचना आगे गई, इसके बाद मैंने दो कंप्यूटर और ऐड कर दिए, इनसे इंसिलेट मैंने और कंप्यूटर ऐड कर दिए, तो हम कह सकते हैं एज ए ट्री टोपोलॉजी। जैसे आपकी पेड़ होती है, पेड़ की क्या होती है, एक शाखा से अलग अलग आपकी ब्रांचेस निकलती है, तो जो मेन होती है फंग आपकी, उससे अलग जो शाखा निकलती है, ऐसे ही इसका काम होता है नेटवर्क, तभी आपका एक नेटवर्क तैयार होता है। नेटवर्क को प्रारंभ करने के लिए कंप्यूटरों को आपस में जोड़ना आवश्यक होता है, क्योंकि अगर कंप्यूटर नहीं जोड़ेंगे तब आपका नेटवर्क तैयार नहीं होगा, क्योंकि नेटवर्क के माध्यम से हम किसी भी सूचना को आगे फॉरवर्ड करते हैं। कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ने की व्यवस्था को ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। यानी जब ये कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, कंप्यूटर का आपस में कनेक्ट होना ही नेटवर्क टोपोलॉजी कहलाता है। कंप्यूटर्स को आप अनेक विधियों द्वारा आपस में जोड़ सकते हैं, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन तैयार होता है कि नेटवर्क के प्रकार बताइए, जो आपकी नेटवर्किंग है वह कितने प्रकार की होती है। तो ये वर्ड केवल आपको रीड करना है। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।